हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपकी कोई भी पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, आप अगर उसका फाइनल प्रिंट निकालना चाहते हैं और किसी भी तरह का कोई एरर शो हो रहा है, या फिर आप ओटीपी की वजह से परेशान हैं, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो बिना ओटीपी के किस तरह से फाइनल प्रिंट निकालते हैं या किस तरह से स्टेटस चेक करते हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में कंप्लीट। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में बिना ओटीपी के आपको कंप्लीट फाइनल प्रिंट निकाल के दिखाएंगे, आपका स्टेटस दिखाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक न्यू टैब ओपन करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे SSPYUP.gov.in। देखिए कुछ इस तरह का पेज शो होगा, यहाँ पर पहले वाले लिंक पर ही क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपकी जो भी पेंशन है वो चूज़ कर लेंगे, वृद्धा पेंशन है या फिर निराश्रित महिला पेंशन है जिसे विधवा पेंशन बोला जाता है, या फिर दिव्यांग पेंशन है, विकलांग वगैरह। तो जो भी है आप उसको अपना यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। आवेदन लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी पेंशन का प्रकार चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ये आपको ओटीपी से दिखाएंगे किस तरह के एरर शो होते हैं, और इसके बाद बिना ओटीपी के अपना ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा फिल कर देंगे जो यहाँ पर शो हो रहा है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कुछ हमारी एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो चुकी है। स्टेटस चेक करने के लिए या फाइनल प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन, इसको ओके कर देंगे। अब देखिए कुछ इस तरह का एरर शो हो जाएगा। इस वेबसाइट पर ज़्यादातर इसी तरह की प्रॉब्लम आती रहती है, कभी ओटीपी की, और अगर ओटीपी आता है तो फाइनल प्रिंट नहीं निकल पाता, जिससे कि हमारा स्टेटस भी चेक नहीं होता। तो अब आपको बताएंगे दूसरा तरीका। अब देखिए ये मैंने एक दूसरी वेबसाइट ओपन की है, एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ से आप सबसे पहले स्कीम चुनेंगे, आपकी कौन सी पेंशन है, उसके बाद अपने ज़िले का नाम चूज़ करेंगे। बिना ओटीपी के यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा, स्टेटस बहुत आसानी के साथ चेक हो जाएगा। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इसी पेज पर पहुँच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद ये जो कैप्चा शो हो रहा है इसको यहाँ पर फिल कर देंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। जब तक ये सर्च हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। कि हमारा फाइनल प्रिंट आ चुका है, ना तो हमने कोई ओटीपी फिल किया है और ना किसी तरह का कोई एरर शो हुआ है। आप यहां से अपना स्टेटस भी बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं, कौन सी डेट को आपने अप्लाई किया था, किस डेट को इसको अधिकारी ने वेरीफाई किया है, कौन सी डेट को आपकी पेंशन ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए हमारी ऑन पेंशन है, ये 18/5/2023 से स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप अकाउंट वैलिडेशन देख सकते हैं, स्टेटस जो होता है एक्सेप्ट, उसके बाद आपको पूरा नीचे फॉर्म देखने को मिलेगा, जो भी आपने यहाँ पर डिटेल फिल की थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।